कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल मस्ती में। तो सावन का जैसे पावन महीना चल रहा है और हरिद्वार में कांवड़ियों ने धूम मचा रखी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है हरिद्वार में इस समय। कांवड़ अपने बिल्कुल पीक पे है। आज 24 तारीख है और 26 तारीख को जलाभिषेक है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो लास्ट ब्लॉग में भी हमने हरिद्वार में सावन में कांवड़ महीने को कवर किया था, लेकिन उस समय में हम डाक कांवड़ और जो रैली कांवड़ होती है जिसमें डीजे बजते हैं उसको कवर नहीं कर पाए थे। तो आज एक बार फिर से भोले की भक्ति और कांवड़ यात्रियों की शक्ति खींच के लेके आई है हमें हरिद्वार में। तो फटाफट से कवर करेंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को एक बार फिर से। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, बात करेंगे कुछ कांवड़ियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका यहाँ तक का अनुभव। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। तो आज सावन के महीने की 25 तारीख है और एक बार फिर से हम पहुंचे हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा को कवर करने। पर यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे जलाभिषेक की डेट नज़दीक आ रही है, जो कि इस बार 26 तारीख को है, कि भीड़ भी हरिद्वार में वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मार्केट हो या हर की पौड़ी पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं और यकीन मानिए इतनी भीड़ है हरिद्वार में इस समय कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। और अगर आप आजकल में हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपने साथी का हाथ कस कर पकड़े, नहीं तो ये होगा। तो भोले की भक्ति में हरिद्वार कांवड़ियों से पूरी तरह भरी पड़ी है और इस बार तकरीबन 4 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कैसे माँ गंगा में डुबकी लगाकर कांवड़ी अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। तो करते हैं फटाफट भोले के कुछ भक्तों से बात। अभी मेरे साथ कुछ भक्तगण मिले हैं भोले के। तो भोले के भक्तगण बहुत दूर से आए हैं, तो बात करते हैं भोले के भक्तगणों से और जानते हैं कि यहाँ तक का सफर भोले के भक्तगणों का कैसा लगा। शंकर भगवान की जय। भोले के बम बम भोले पार्वती के संग 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 भोले। हम अलवर जिले राजस्थान से आए, बहुत अच्छा सफर। नहीं कोई नहीं, गंगा जल भरते हैं पहले दोस्त को, मतलब एक मतलब 100 मीटर की दूरी पर बंदे खड़े हो जाते हैं, एक बंदे को दूसरे बंदे को शिफ्ट करते हैं, वो बंदा दूसरी गाड़ी पर उनको छोड़ता है आगे, वैसे चढ़ती है। भगत बहुत दूर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। मैं यही कामना करूंगा कि भोले के भक्तों की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। बोल शंकर भगवान की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कांवड़ियों में भोले के लिए कितनी श्रद्धा और जोश है, और शायद यही रीज़न है कि इतनी दूर दूर से कांवड़िए हरिद्वार खींचे चले आते हैं और भोले के नाम की मस्ती में जमकर झूमते हैं। तो अभी भोले के कुछ और भक्त मिले हैं और जो भोले के भक्त हैं वो सामान्य कांवड़ करके आ रहे हैं। सामान्य कांवड़ में आपको बता दूं कि इसमें पैदल चल के आना होता है और गंगा जल भर के वापस वापिस कर रहा होता है। सहारनपुर से सामान्य कांवड़ पैदल चल के बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोई राजस्थान से आया तो कोई सहारनपुर से, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भक्ति भाव है कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि कांवड़ बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है सामान्य कांवड़, एक होती है डाक कांवड़, एक होती है दांडी कांवड़। जो सामान्य कांवड़ होती है इसमें कांवड़िए अपनी कांवड़ को कंधे पे रख के चलते हैं। इसमें सामान्य कांवड़ में कांवड़िए कहीं पर भी रुक सकते हैं, बस जो अपनी कांवड़ है उसको किसी साफ सुथरे स्थान पर रखना होता है। ज़मीन पर आप अपनी कांवड़ को नहीं रख सकते।
जो डाक कावड़ होती है उसमें कावड़िए एक बार गंगा जल भर ले तो उसके बाद रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। जो दांडी कावड़ होती है वो सबसे मुश्किल होती है, इसमें जो कावड़िया होता है वो लेट लेट कर जो शिवधाम है वहां तक पहुंचता है। इसके अलावा एक और कावड़ होती है जिसे कि रैली कावड़ कहते हैं, डीजे बजते हैं और डीजे के साथ शिव भक्त अपने नाचते हुए गंगा माँ के पास पहुंचते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और उसके तो जैसा कि हमने देखा कि कांवड़ यात्रा को लेके कितना जोश है कांवड़ियों में, पूरी रोड पे आपको कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि भोले के भक्तों की जो भक्ति है वो किस लेवल पे है, कांवड़ यात्रा में जो डाक कांवड़ है वो किस तरह अपने गंतव्य स्थान पर टाइम पे पहुंचने के लिए कितनी तेजी से जाते हैं, और भोले के भक्तों की शक्ति है ये कि जो मौसम है वो भी बहुत ही अच्छा हो गया है। जब हम आए थे तो धूप थी और अब बारिश होने वाली है और मौसम जो है बहुत अच्छा बन गया है। तो मौसम तो अच्छा हो गया है और साथ साथ में हरिद्वार का माहौल भी बहुत अच्छा है सावन में कांवड़ यात्रा के करके। तो कवर करते हैं कुछ और शॉर्ट को। तो सुबह से शाम हो गई है लेकिन भोले बाबा के भक्तों की भक्ति अभी भी वैसे ही बनी हुई है। मेरे पीछे आप लोग जैसे देख सकते हैं इतनी भीड़ सवेरे थी उतनी भीड़ इस समय भी हर की पौड़ी में, और भीड़ हो क्यों ना, आखिर भोले बाबा की भक्ति में शक्ति इतनी है। तो फिलहाल अपना ये कांवड़ यात्रा स्पेशल ब्लॉग करते हैं यही खत्म। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन में। तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के माहौल में कब सुबह से शाम होगी मुझको बिल्कुल पता नहीं लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज से पहले जब भी कांवड़ यात्रा सुनता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, वो थी सिर्फ जाम। लेकिन कांवड़ यात्रा में जो माहौल होता है भक्ति का, भोले की शक्ति का, वो सच में अनोखा है यार। तो लाइफ में कभी मौका मिले तो कांवड़ यात्रा के टाइम पे हरिद्वार जरूर आएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वापस जाते हुए आप अपने साथ जो पॉलीथीन कैरी करके लाए उसे वापस जरूर लेके जाइएगा। ये बड़ी एक पवित्र पूजा का स्थान है तो यार पूजा के स्थान को साफ सुथरा ही रहने दीजिए। तो इंजॉय करते हैं रात के कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स को हर की पौड़ी में और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।